हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कपनी। कपनी ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी है। मोस्टली इसे दिवाली के समय बनाया जाता है, लेकिन जब भी अलग कुछ खाने का मन होता है तब भी आप चलो इसे बना के खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कपनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। कपनी बनाने के लिए इधर मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है, 1/3 कप बेसन, 1 चम्मच ज्वार का आटा, 1 चम्मच चावल का आटा, 3/4 कप गुड़ को किस के लिया है, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर, टेस्ट के लिए थोड़ा नमक और खसखस। इसमें मैंने थोड़ी खसखस ली है ऊपर से लगाने के लिए। चाहिए तो आप इसमें थोड़ी इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। और हमें चाहिए कापनी तलने के लिए तेल। तो चलिए कापनी के लिए आटा गूंथते हैं। गैस के ऊपर मैंने एक छोटा पैन चढ़ाया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप से थोड़ा कम पानी। इसमें 1 गुड़ डाल देते हैं। गुड़ का हमें सिरप बनाना है, इसकी चाशनी नहीं बनाना है। जस्ट गुड़ पानी में डिसॉल्व होना चाहिए। गैस थोड़ा बढ़ाते हैं और इसे मिक्स करते हैं। जस्ट हल्का सा 1 गुड़ का सिरप बनना चाहिए। देखो इसी तरह से गुड़ पानी में अच्छी तरह से घुल गया है। अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसे ठंडा होने देते हैं। इधर 1 गेहूँ का आटा है, इसमें डालेंगे ज्वार का आटा, चावल का आटा डाल देते हैं, बेसन डाल देते हैं, थोड़ा टेस्ट के लिए नमक, सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर, आप इसमें थोड़ी इलायची पाउडर डाल सकते हो। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जस्ट थोड़ा 1 छोटी चम्मच तेल, ताकि तेल से कापनी थोड़ी सॉफ्ट बनती है। मिलाते हैं तेल को। अब इसमें डालेंगे 1 गुड़ का सिरप, छान के डालेंगे ताकि गुड़ में जो भी गंदापन होता है वो निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इन्हें मिलाएंगे। इसका हमें अच्छी तरह से गाढ़ा सख्त डो बनाना है। जैसे हम पूरी के लिए डो बनाते हैं सेम उसी तरह से ही बनाना है। थोड़ा थोड़ा सिरप डाल के मसल मसल के इसे चिकना करेंगे। देखो इसी तरह से डो बन के तैयार है। सिर्फ 1/2 कप से थोड़ा कम मैंने पानी डाला था, सिर्फ 1 चम्मच सिरप बचा है। इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। को 10 मिनट हुआ है, आटा अच्छी तरह से सेट होके तैयार है। इन्हें एक बार बोर्ड के ऊपर मसल मसल के चिकना करेंगे। देखो इसी तरह से सख्त आटा बनना चाहिए। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 1 छोटी लोइया बनाएंगे। देखो इसी तरह से जैसे हम शक्करपारे के लिए आटा गूंथते हैं, बेलते हैं, सेम उसी तरह से ही इसकी भी प्रोसेस है। इधर मैंने खसखस ली है, बोर्ड और कापनी कट करने के लिए पिज्ज़ा कटर। बोर्ड के ऊपर थोड़ा बेसन डाल देते हैं। चाहिए तो आप गेहूँ का आटा भी डाल सकते हो, नहीं तो तेल में भी ये बेल सकते हो, थोड़ा तेल लगा के भी बेल सकते हो। चलो इन्हें जैसे हम शंकरपारी के लिए बेलते हैं उसी तरह से ये बड़ा ही बेलना है। चिपकने लगा तो थोड़ा बेसन लगा दीजिए। देखो इसी तरह से बेल के तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे खसखस। मैंने 1 साइड से खसखस डाली है, आप दोनों साइड से भी डाल सकते हो। और ऊपर से थोड़ा बेल देते हैं ताकि खसखस इसको चिपक जाए। देखो इसी तरह से ये सीट बन के तैयार है। अब हम इसे पिज्ज़ा कटर की मदद से कट करेंगे। जैसे हम शक्करपारे कट करते हैं इसे डायमंड शेप में, लेकिन थोड़ा बड़ा कट करना है। देखो इसी तरह से हम इसे डायमंड शेप में कट करेंगे और ये साइड वाला
पार्ट निकाल लेते हैं और इसे फिर से गोल बना के बेल के इसी तरह से ही बनाए। देखो इसी तरह से एक कापनी कट होके तैयार है। एक साथ आप इसी तरह से ज़्यादा कापनी भी कट कर सकते हो और उसके बाद तल सकते हो। गैस के ऊपर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। चेक करते हैं तेल अच्छी तरह से गरम हुआ है। चलो कापनी को तलते हैं। इसी तरह से कापनी छोड़ देते हैं तेल में और कापनी को मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलेंगे। आपने ज़्यादा स्लो गैस पे कापनी तली तो कड़क बन जाएंगी, हार्ड होगी, तो इसीलिए कापनी तेज गैस पे मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। एक कापनी तल के तैयार है। चलो इन्हें एक पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेते हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से एक कापनी दिख रही है। इसी तरह से हमें सारी कापनी तल के तैयार करेंगे। देखो इसी तरह से ये सारी कापनी बन के तैयार है। बहुत ही अच्छी टेस्टी ये कापनी बन गई है। आप भी जो इसी तरह से कापनी बनाइए, खाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत ही पसंद आएगी। मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो चलो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो चलो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।